हेलो एंड वेलकम टू टाइम एडू सर। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो ये लेक्चर हमारा 1.2 है। साइंस का फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो एक लेक्चर हमने पढ़ा है अभी तक और ये हमारा लेक्चर 1.2 है। लेक्चर सो अभी तक जो टॉपिक्स हमने कवर किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा, उसके चार्ज के प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, टाइप्स और इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस कैसे होता है, ये सब देखा। नाउ कूलम्स फोर्स हम देखेंगे इस लेक्चर में और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे। ओके, सो अभी जो लास्ट चैप्टर जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें जो हमारा टॉपिक लास्ट खत्म हुआ था, दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर वो टॉपिक था और उसमें हमने देखा था कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में होता है। मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब किसी बॉडी के ऊपर 2 ई चार्ज हो सकता है, 3 ई चार्ज हो सकता है, 10 ई हो सकता है, मतलब एन ई ई के मल्टीपल में होगा। ओके, और ई क्या था? ई था हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू क्या था? 1.67 मल्टीप्लाई 10^-19 कूलम, एंड कूलम वाज द यूनिट ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज अपने पास कैरी करता है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, हमने देखा। वन इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज हाउ मच? दिस मच चार्ज। तो अब हमें देखना है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1.67 × 10^-19 कूलम चार्ज के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास था। ठीक है, इतना चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन था, तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड है, आप एक से डिवाइड कर दीजिए इसको। 1.67 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा आपको 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन। So, 1 कूलम चार्ज, ये काफी बड़ा चार्ज है, इतना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा। ओके, तो कभी भी अगर किसी बॉडी के ऊपर, मान लो अगर हम कहते हैं कोई बॉडी ए है, इसके ऊपर +1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब ये है इस बॉडी के अंदर से इतना सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तभी जाके इसके पास इतना +1 कूलम चार्ज हुआ। ठीक है, अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर हम कहते हैं इसके पास -1, मतलब 1 कूलम चार्ज, इसके पास -1 कूलम चार्ज, इसका मतलब ये है कि इसके पास 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है। ओके, सो नाउ अब देखेंगे कूलम फोर्स क्या होता है। सो बेसिकली देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं फोर्स, सपोज मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है और r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज हमने रखा Q2। देखो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। आपने देखा देखा था पहले कि जैसे एक प्लास्टिक बॉडी चार्ज बॉडी को दूसरे प्लास्टिक चार्ज बॉडी के पास रखा था, एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा था। तो मान लो ये दोनों प्लास्टिक बॉडी है, इसके पास एक चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2, इसको हमने पॉइंट चार्ज बना के अलग अलग करके आर डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख दिया है। और एक्सपेरिमेंट भी देखा गया कि जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, दोनों में से कोई भी चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर चार्ज घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर मान लीजिए आर है और डिस्टेंस अगर अब 2 आर हो गया तो फोर्स बताया, फोर्स 4 गुना घट जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए डिस्टेंस 3 आर हो गया तो फोर्स आपको 9 गुना घट जाएगा। तो जितना टाइम्स आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उसका स्क्वायर टाइम्स फोर्स डिक्रीज करेगा। ओके, सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। तो फटाफट आप देख लेते हैं यही कूलम्स का लॉ जो है, लॉ तो यही है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / r² उसके लिए कॉन्स्टेंट लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 / r² फोर्स है तो फोर्स न्यूटन में होगा। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर r डिस्टेंस पे कोई चार्ज है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये होगा। K का वैल्यू क्या है?
के का वैल्यू फटाफट हम लिख देते हैं यहाँ पे, के इक्वल टू बोलते हैं 1/4 पाई, ये इप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻¹, ये हो जाएगा यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, दिख गया आपको तो समझ लीजिए इप्सिलॉन नॉट क्या है। इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो दो चार्ज को आपने जिस मीडियम में रखा ना, उस मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर, जिस मीडियम के कारण उसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर इसी दो चार्ज को अगर आपने एयर में रखा है, इसके ऊपर लग रहा फोर्स अगर एफ है, और इस दोनों चार्ज को अगर पानी में रख दोगे ना, तो फोर्स 80 गुना घट जाएगा, ठीक है, F/18 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले आप थोड़ा सा एक बार पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आप समझिए। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मान लो अगर किसी हाइट पे, एच हाइट पे अगर हम किसी एक बॉल को उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो हम जो वर्क करते हैं वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। और आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी जो यू होता है इज इक्वल टू MgH होता है, ओके, ये क्या है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग एम मास फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जमा हो गया था, और वो एनर्जी कौन सा था जो आपने वर्क किया था। तो ये स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगा। देखो जब किसी एक चार्ज क्यू को किसी एक पॉइंट पे ला के रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो हम ये अभी ये पोटेंशियल एनर्जी किसका था, इस मास का था, है ना। अब मान लो अगर हम कहते हैं किसी एक चार्ज क्यू का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब इस क्यू चार्ज को किसी जगह से मतलब लाके आपको, या मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हम पूछ रहे हैं कि इस चार्ज क्यू के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ मान लो एक पहले से देखो, यहाँ पे तो हम फोर्स इसके अगेंस्ट लगा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा था, यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था जिसको रोक रहा था, इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया इसको यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक सोर्स चार्ज होगा जो हमारा फिक्स होगा। अब इस क्यू चार्ज को पॉइंट पी पे हम इन्फिनिटी से लाके, मतलब बहुत दूर से लाके, इन्फिनिटी से लाके रखेंगे, और उसमें जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सिमिलर चीज है जो यहाँ पे, ठीक है ना, सेम बात। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाएंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है ये भी, और ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्चुअली देखो अब जितना फोर्स आप इस पे लगाओगे, ये फोर्स इसके ऊपर इस चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स है उतना ही होना चाहिए। देखो ठीक वैसा ही है ना, अगर इस बॉल को आपको ऊपर उठाना है, इसके नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, अगर मास m है इसका और h हाइट पे आप इसे ले जा रहे हो, आप कितना फोर्स लगा रहे हो ऊपर ले जाने में, mg ना, तभी ना mgh करके यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आप mgs देते हो। तो सिमिलरली इसके ऊपर मान लो अगर फोर्स इलेक्ट्रिक f ही लग रहा है, तो हमको f ही फोर्स लगा के यहाँ पे लाना है, ओके, f ही फोर्स लगा के लाना है, और देखेंगे इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर डिस्टेंस r होगा तो f into r या f dot r हो जाएगा हमारा इस जगह का वर्क डन, और यही वर्क डन जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट एनी पॉइंट ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फिगरेशन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, जैसे हमने अभी क्या देखा कि मान लो क्यू चार्ज, कोई एक क्यू चार्ज को लाके इन्फिनिटी से रखा, कहां से, इन्फिनिटी से लाके किसी पॉइंट पी पे रखा, तो जो वर्क डन हमने किया डब्ल्यू, यही था पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि किसी एक पॉइंट चार्ज को मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ब्रिंगिंग, ये देखो ये कीवर्ड है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब अभी क्यू चार्ज को लाके रख रहे थे, अगर इसे हमें यूनिट करना होगा तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो वर्क डन बाय वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी विल बी व्हाट, ये जो वर्क था बाय क्यू चार्ज, सो दिस इज पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ये क्या है, पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड बाय वर्क डन to bring a charge from infinity to any point, ठीक है, तो work done
पर यूनिट चार्ज, ये क्या है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाके किसी पॉइंट पर रखने में जो वर्क किया हमने वही पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, ठीक है, उस पॉइंट का पोटेंशियल, कई बार इसको वोल्टेज ही बोलते हैं। इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट होता है वोल्ट, ओके, इसका यूनिट याद रखना, यूनिट होता है वोल्ट। और ये वन वोल्ट का मतलब क्या होता है, वन वोल्ट का मतलब होता है वर्क डन, देखो वर्क का यूनिट होता है जूल, तो जूल हो गया ऊपर और नीचे चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलम, तो वन वोल्ट का मतलब है कि एक जूल का वर्क डन अगर एक कूलम के चार्ज को लाके इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे रखने में आपने किया है तो दैट पोटेंशियल विल बी वन वोल्ट। तो वन वोल्ट इज डिफाइंड। नाउ अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है, अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखिए अभी क्या बात कर रहे थे, इन्फिनिटी से लाके रख रहे थे पॉइंट पी पे, तो यहाँ का पोटेंशियल हमें भी मिला, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल भी मिला भी एट पी। हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है भी, देखो ये भी जो है ना ये इन्फिनिटी से लाके रख रही, दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल डायरेक्ट यहाँ बोलते हैं डिफरेंस नहीं बोलते हैं। रीजन ये है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम जीरो एज्यूम करते हैं, ओके, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो, दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पे ये कहें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर ये बात हम कहें तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी, तो वी कैन राइट इट वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है ना, लेकिन वी इन्फिनिटी हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, तो V इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाके रखने में जो हमें वर्क करना पड़ा दैट इज पोटेंशियल एट P VP। अब देखो ये भी वर्क डन नहीं है एक यूनिट चार्ज पे, ये याद रखना, ठीक है। अब चलो बात करते हैं जनरल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब चलो यहाँ पे हमने मान लिया पॉइंट P और यहाँ मान लिया पॉइंट Q, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज कुछ होगा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस जगह से यहाँ पे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ का मान लेते हैं पोटेंशियल है VP, यहाँ का पोटेंशियल है VQ, यहाँ का पोटेंशियल है VP, यहाँ का पोटेंशियल है VQ, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस स्वाभाविक बात है ना कि फाइनल पोटेंशियल आपका क्या है, VQ है। अब देखो यहाँ पे ये VQ तभी बना जब इसमें आपने वर्क डन ऐड किया, जब इसमें आपने वर्क ऐड किया है, क्योंकि वर्क करोगे तभी ना ये यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एट क्यू माइनस वी एट पी। देखो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, वीपी प्लस जो आपने वर्क डन किया है इसको यहाँ पे ले जाने में, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दैट इज द वर्क डन। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल वी पी प्लस डेल्टा भी इज इक्वल टू वी एट क्यू, सिमिलरली डेल्टा भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू माइनस वी पी। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन ही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा। इसका एक और जनरल फॉर्म देखते, मान लो ए पॉइंट ये बी पॉइंट है, ए बी है, सपोज एक चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बी ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ए से बी हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, ओके। कई बार आप देखते होंगे अगर वी ए बी है और वी ए माइनस वी बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने B से चार्ज को A पे लाया है, ठीक है, तो A हमारा फाइनल पॉइंट होगा, याद रखना हमेशा फाइनल पोटेंशियल टू इनिशियल पोटेंशियल करेंगे तब जाके हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ओके। सो दिस वाज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस भरने का आखिर कारण क्यों है, क्यों हमने पोटेंशियल डिफरेंस अभी पढ़ा है, उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूज क्या है, उसका सोर्स क्या है। सपोज अभी हम पढ़ क्या रहे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे, अभी पढ़ रहे हम करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट, बेसिकली स्टडी किसका करना है, करंट का हमें। और करंट का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी से हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बस मैं आपको ये समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता कैसे। देखो अगर पानी को जैसे मान लेते हैं ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, और इस दोनों टैंक को हमने एक पाइप से जोड़ दिया, और इस टैंक में यहां तक पानी है और इस टैंक में मान लो कम पानी, तो अब आप ही बताओ कि पानी किस से किस में जाएगा, इससे इसमें जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पानी हायर पोटेंशियल पे है और ये पानी लोअर पोटेंशियल पे है, तो हायर से लोअर में क्या होता है, पानी का फ्लो हो रहा है, मतलब ये वाटर करंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक चार्ज बॉडी में भी
अगर चार्ज, पहले यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो देखो ये सपोज एक इंक्लाइंड वेज है, यहाँ पे क्या है, एक कार्ट पे हाथी लदा हुआ है, इसको हमने कहीं से सपोज इसको लिफ्ट करा के यहाँ पे लाया, ठीक है, कुछ वर्क डन किया होगा, तो इसके पास कौन सा एनर्जी जमा हो जाएगा, इसके पास जमा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा, हाइट पे लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा ना, एमजीएच, एमजीएच एनर्जी जमा हो गया ये। अब इसको यहां से छोड़ दिया, तब ये एमजीएच जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, और ये फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये इस जगह का पोटेंशियल बताओ कितना है, इस जगह का पोटेंशियल एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी, और इस जगह का कितना है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला जो पॉइंट है, इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, या पोटेंशियल इस जगह का कितना है, जीरो। देखो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी में आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, आप ये समझ लो कि एक यूनिट मास को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा जी एच, क्योंकि एम की जगह पे हम वन कर देंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल जी एच, और यहाँ का तो हाइट ही जीरो है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो फ्लो कहाँ से, देखो ऊपर से नीचे आएगा सड़क के, उसका मतलब क्या है, हायर से लोअर में फ्लो हो रहा है, हायर से लोअर में कुछ मूव करता है। लेकिन इतना आसान करंट के केस में नहीं होता, या कंडक्टर के केस में नहीं होता। मान लो अगर हमारे पास एक कोई एक मेटल है, या कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें फ्लो कराना है, अब ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, क्या इसको हम ऐसा करके टेढ़ा करके ऐसे करके रख दें, ऐसे करके रख दें, तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें जर से जर मूव करना शुरू कर देगा, नीचे आने लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको सर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ा दिए, यहाँ पे घटा दिए, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का कम, तो फ्लो होना चाहिए। अरे ये बात किसके लिए हमने किया था, इसके लिए किया था, एमजीएच के लिए, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ग्रेविटी का फोर्स आपको इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी लगना, इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता ग्रेविटी का फोर्स, ओके, तो ग्रेविटी की वजह से ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना, तो मूव क्यों करेगा, मूव करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें अब इसे क्या करना है, इस जगह से बहुत सारे चार्ज को उठा उठा के यहाँ पे लाना है, ताकि देखो इस जगह से उठाए यहाँ पे लाए, तो वर्क डन किए, तो वर्क डन किए, तो यहाँ पे इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा, और जहां से उठा के लेके जाओगे ये हायर पोटेंशियल, मतलब यहाँ से लेके आ रहे हैं वर्क डन एक्स्ट्रा करे, तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये हमारा एक ऐसा चीज बन जाएगा जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दिया। देखो सिमिलरली बैटरी या सेल सब जो होता है उसमें यही फंडा यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बैटरी में क्या होता है, कैसा डिवाइस होता है जो दो पोल उसका पूरा चार्ज होता है, मतलब ये पॉजिटिव पैनल जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, इसके ऊपर क्या होता है कि सारा सारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ से हमने निगेटिव चार्ज को उठा उठा के यहाँ पे लाके रख दिया, निगेटिव चार्ज सारा यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना दोनों एंड में। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हो गया, अब देखो अब ये क्या होगा, ये एंड जैसे ही किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, सामने वाले जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो धक्का मारना शुरू करेगा उसको, क्योंकि इसके पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जैसे ये यहाँ से इसको जैसे ही जगह मिला ये गिरने लगा ना, अगर इसको ऐसे हम फ्लैट करके रखते हाथी को वेज पे, ये कभी गिरता नहीं, गिरता पोटेंशियल डिफरेंस किया ये गिरने लगा। सिमिलरली अभी इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे क्या है, हायर पोटेंशियल है, ये मान लो ज्यादा मतलब एनर्जी काफी है यहाँ पे। हम इलेक्ट्रॉन का बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन डायरेक्टली मूव नहीं करेगा, इसीलिए बात यहाँ प्रोटॉन से नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को के पास जैसे एनर्जी अभी स्टोर्ड है बहुत सारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास मान लो पोटेंशियल एनर्जी काफी है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको लेके आया है, तो अगर इसको जैसे ही हम एक कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें भी क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें भी ढेरों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाएंगे, और सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इधर मूव करना शुरू कर देगा, और सारा इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर रैंडम मोशन कर नाच मचा रहा था, वो सब सीधा लाइन में, सीधा लाइन में, सीधा लाइन में, एक लाइन से चलना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसी के एक दूसरे एंड को क्या करेंगे, इसके साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम यहाँ पे लाके इसको ऐसे करके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ देंगे, तो सारा इलेक्ट्रॉन सब चल चल के चल चल के चल चल के यहाँ पहुंच जाएगा, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इसको खींचेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और इलेक्ट्रॉन्स का लोकोमोशन स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और करंट मिलने लगा भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें करंट लाना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मेजर सोर्स दैट प्रोड्यूसेस करंट, ठीक है। तो और भी बहुत सारा सोर्स, जैसे यहाँ पे एक चीज और समझो, जैसे एक बैटरी है, देखो बैटरी वही पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का काम कैसे करता है, सोर्स ऑफ ईएमपी।
आप कहोगे ये ईएमएफ क्या होता है? देखो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली जब कोई सेल ना किसी बैटरी से कनेक्ट किसी कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं होता है या वायर से, इसके पास जो एक्चुअल एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लाके मतलब ओपन टर्मिनल में एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे लाके रखने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा वो एग्जैक्ट उस जगह का उसका वो पोटेंशियल होता है। तो ये किसी बैटरी का ना ईएमएफ जो होता है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। जैसे लिखा रहता है ना किसी बैटरी के पीछे की 4.5 वोल्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट ये उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच का। जैसे मान लो कि हम एक किसी तार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी को जोड़ देते हैं। अब देखो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा बहुत मोशन में रहता ही है ना। अब जैसे ही ये निगेटिव टर्मिनल का हम बात अगर करें यहाँ पे, ये मान लो अगर निगेटिव टर्मिनल है तो, या फिर ऐसा समझो कि यहाँ से निगेटिव टर्मिनल ये यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो ये क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू कर दिया और फिर पीछे से क्या हुआ जैसे आना शुरू हुआ तो ये इसको अपने तरफ खींचा और खींचा तो फिर से इसको भगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है जो बैटरी जो है ना अपना एनर्जी से सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करा देता है और सारा इलेक्ट्रॉन जो था मूव करने लगता है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक सेल में दिया गया है, सेल से कनेक्टेड है। देखो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे देखोगे जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करा, ये इलेक्ट्रॉन सब क्या कर दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, ये धक्का दे जा रहा है ये सामने वाले को, ऐसे करके मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है ये सामने वाले को दे रहा है और ऐसे करके ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है इसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि सर करंट का डायरेक्शन तो आपने इधर दे दिया है, इसका डिस्कशन वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर भी आप समझ लो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कभी भी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, ऐसे करके निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन करंट हम पॉजिटिव से निगेटिव बताते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, सो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप लोग बुक पढ़िए अच्छे से और आई होप वीडियो समझ में आया होगा आपको, लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से।